यार जितने भी सलमान, करण जौहर ये जो उड़ते हैं ना, हम लोग ये सब उड़ते हैं हम लोग बदौलत, ठीक है। हम पब्लिक है जो देख रही है, हम ना देखे ना तो इन्हें कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यार तुम लोग ना हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग चैनल। तो क्या हाल है सभी के? तो यार आज का व्लॉग अपना टाइटल देख के तो पता चल गया होगा, कोई फन व्लॉग नहीं है आज का। कि तुम सोचो फन व्लॉग है या आज का व्लॉग, तो मुझे पता है कि 2 से 4 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के लिए उन्होंने, तो उसमें यार आज हम अपना फिर बॉलीवुड की बात लगाएंगे, दिखाता हूँ उनका क्या सच है क्या नहीं। वैसे सलमान सर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी ये नहीं बोला कि आउटसाइडर और बॉलीवुड भाई भाई। भाई क्या करें यार, सुसाइड जब कोई लड़का करता है ना, वो भी इकलौता लड़का है, सुसाइड करा उसने, ठीक है, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, कुछ सोचो ना। तो भाई यार सुसाइड मत करो, इसका कोई एक कोई डिप्रेशन है किसी का कोई हल नहीं है कि तुम सुसाइड कर लो कि यार समझ नहीं आ रहा या डिप्रेस लग रहा हूँ सुसाइड, यार ये कोई चीज़ थोड़ी ना यार, ठीक है। कभी भी तुम लोगों को किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो यार मेरे को मैसेज करना, कमेंट में बोलना, मैं तो ऐसा आगे तुम्हें छोड़ूँ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कभी तो मेरे लाइक जो हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगा। तो इसलिए गाइस कभी सुसाइड करने का सोचना मत यार, एक बार अपने घर वालों की सोच लेना कि उनका क्या होगा। तो यार मैं तो सिर्फ लेटा हुआ था तो मैंने देखा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें मैंने देखा मीम्स में आ रहा था सुशांत सिंह राजपूत मर गया। तो यार मुझको तो पहले बहुत शौक हुआ, फिर मेरे को लगा क्या होता मीम्स बनी हुई ऐसी नॉर्मल, तो मैंने जल्दी से विकीपीडिया खोला, देखा कि क्या है, तो उधर वॉज लिखा आ गया था, वॉज तो आया तो पता, वहाँ लिखा गया सुशांत सिंह राजपूत वॉज एन एक्टर। तो यार मैं शॉक्ड हो गया, तो शॉक हुआ मैंने देख, फिर 2-3 लोगों की स्टोरीज भी देखी दुनिया ने डाल रखी थी, मीम्स भी बहुत आई, ये सब देखा। तो यार तो पता जैसे कि यार ये विकीपीडिया वगैरह जो होते हैं ये बहुत जल्दी चीज़ें अपलोड करते हैं, साथ साथ ही अपलोड कर लेते हैं जो चेंज कर लेते हैं। तो यार एक बात बताओ यार, सुसाइड को यार हल तो नहीं है यार, कि यार डिप्रेस्ड हो सुसाइड कर लो, नहीं है। तो जैसा कि तुम सबको याद ही होगा, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी आई थी ड्राइव करके, फास्ट एंड फ्यूरियस सेकेंड कॉपी जो थी, तो वो करण जौहर शायद प्रोड्यूस कर रहा था या उस फिल्म का जो भी पार्ट था, तो करण जौहर चाहता था कि उस मूवी को वो थिएटर पे रिलीज़ करे, पर सुशांत ने बोला कि यार इसको उस पे करते हैं OTG पे करते हैं। तो वो OTG पे इतनी अच्छी चली नहीं, तो करण जौहर को उस ड्राइव से बहुत नुकसान हुआ होगा, तो करण जौहर ने तब से ही उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बाद तुम्हें जैसे पता ही है यार, सुशांत की वो आई थी मूवी आई थी छिछोरे, कितनी टॉप क्लास गई थी मूवी, MS धोनी देख लो, छिछोरे देख लो, इतनी सही से इसकी मूवी थी, ठीक है। तो उसमें और उसको उसके बाद से उसे 7 मूवी और मिली थी, 7 मूवी उसको और मिली थी, और तुम्हें पता है उसकी चॉइस कितनी बढ़िया होती है, एक एक नंबर अच्छी अच्छी मूवियाँ मिली थी उसे, उसमें सबसे 6 मूवी छीन ली गई। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो डिप्रेस हो गया। और हाँ एक ट्वीट आया था उसमें लिखा हुआ था कि टी सीरीज, धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म्स, इन तीनों ने उसको बॉयकॉट कर दिया था। तो उस बंदे का ये चल रहा होगा कि उसको एक फैमिली की तरह लिया नहीं जा रहा, ठीक है। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये पहली बार हो रहा है सो कॉल्ड नेपोटिज्म? तो इसमें कंगना रावत इतने टाइम से बोलती आ रही है, जब सलमान खान और विवेक ओबरॉय की जब लड़ाई हुई थी तो विवेक ओबरॉय को 2004 से कोई मूवी नहीं मिली थी, ठीक है। और अगले सुसाइड तो नहीं करा ना यार, ये भी तो देखो उसने स्ट्रगल करा, ठीक है, स्ट्रगल करके उसने साउथ इंडियन मूवीज़ में अगले ने काम करा, बहुत सारे ऑप्शन है यार इस फील्ड में तो, पर अगले ने एटलीस्ट सुसाइड नहीं करा, हार नहीं मानी। तो यार हार नहीं माननी चाहिए ना किसी चीज़ से। बस मुझे सुशांत सिंह राजपूत की एक बात का बहुत बुरा लग रहा है, उस बंदे पे टैलेंट नहीं था, उसने कोई एक आइकॉनिक मूवी कर नहीं रखी थी, कर रखी थी,
और ऐसा भी नहीं कि यार उसको मूवी ना कर रहा हो वो और भी मिल ना रही हो, कर रहा था जैसे जैसे कर रहा था, पर एक एक साल में एक दो मूवी निकाल रहा था, पर ये भी नहीं कि हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी मूवी निकालता था। तो यार ये नहीं ना कि उसको हर बंदा बॉयकॉट कर रहा तो इसका कोई हल है। अगर उसको बॉयकॉट कर भी रहे थे तो सलमान ये कर रहे थे, सलमान करण जौहर, तो इनकी पकड़ कहाँ तक है? टी सीरीज और अपना YRF यशवंत फिल्म्स और ये धर्मा प्रोडक्शंस, इन तीन में तो है, या एक दो बड़े बड़े और बैनर होंगी। विवेक ओबरॉय अब तक कैसे काम कर रहा है? जहाँ तक इन दोनों की पकड़ थी वहाँ तक ये पूरा जोर लगा रखा, पर वो बंदा हार नहीं माना, वो करता रहा करता रहा, अभी भी कर रहा है, कर तो रहा है ना, हार तो नहीं मानना ना एटलीस्ट। अब तक यही बात समझ नहीं आ रही, उस बंदे ने सुसाइड करा तो क्यों करा? दुनिया मतलब पता कर रही है, केस भी हो रखा है, शायद केस हो रखा है। तो देख, तो मैं एक तुम्हें स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। तो स्कूल में क्या होता है, एक होते हैं वो स्टड टाइप के, ठीक है, जो रिसेस में क्रिकेट खेलते हैं, बैट वैट लाते हैं, लड़कियों से बड़ी बातें करते हैं, और एक होते हैं जो लड़कियों से बात नहीं करते, जो बैट भी लेके आते हैं, पूरा दिन ग्राउंड में फिरते रहते हैं, ठीक है, जो लंच में मतलब। तो यार उसमें से अगर एक बच्चा उसमें उठ के चल जाता है, उनसे लड़ाई हो जाती है स्टड वाले ग्रुप से, तो वो नॉर्मल ग्रुप में चल जाता है, तो क्या होता है स्टड वाले बहुत बुलिंग करते हैं, बुलिंग दे बुलिंग दे बुलिंग बुलिंग। तो यार उससे दिमाग में भी आता है कि यार बस यार अब नहीं, बंदा नहीं झेल पाता। तो जब तक दो चार फ्रेंड ना हो ना अपनी ज़िंदगी में यार, तो वो चीज़ भी बढ़िया नहीं है। तो हाँ अपने फ्रेंड से शेयर करो। अब मैं इस जगह अपने आप को ही लूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को भी कोई है यार कि मेरे को कोई मज़े ले ही जा रहा है, 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 यार मैं भी परेशान आ जाऊँगा, है ना? तो ये मत सोचो कि यार सुसाइड यार ऑप्शन है। तो हम लोग कहते हैं कि यार सुसाइड कर लिया, हम लोग कह रहे हैं सुसाइड कर लिया, घर वालों को सोचा नहीं, वो घर वालों को भी सोचता है, घर वालों को अपने एक बार घर वालों के बारे में भी सोचता है, सब देखता है कि हाँ यार। तो उसमें पर उस समय उसको एक वही वाला हाल ऐसा ही लगता है जो सुसाइड वाला होता है, उस समय वो यही सोच रहा था कि यार नहीं यार यही लास्ट ऑप्शन है, वो घर वालों का भी सोचता है, पर वो इतना 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 डिप्रेस हो जाता है बंदा, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या पता ये भी एक ऑप्शन है, जब हो उनके पास कि यार नहीं हो पाया होगा। मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा उसमें, थोड़ी थोड़ी देर में उसके पापा बेहोश हो रहे हैं। क्या सुसाइड कोई हल नहीं है यार, ऐसा मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो यार और सबको क्या कितना ही लग रहा होगा। अच्छा एक छोटा मोटा सा शी रुपैन देख ली मूवीज अच्छी, मैंने जितनी मूवीज की देखी वो सारी अच्छी लगी, ये होना कि यार नहीं एक मूवी अच्छी, मेरे को सारी मूवीज अच्छी लगी। पीके में भी उसका था, हाँ पीके में भी था उसका, यही मैंने एक छिछोरे देख लो, MS धोनी कितनी हिट गई है, अभी भी टीवी पे आती है तो हर बंदा देखता है। क्या अगले ने एक्टिंग करी उसमें यार, छिछोरे में, छिछोरे में हमें सिखा के गया कि सुसाइड नहीं करना, और खुद सुसाइड कर बैठा यार। अब एक शो आता था कॉफ़ी विद करण, ठीक है, तो उसमें ये क्या बोलता था कि हॉट और नॉट, तो बहुत सारी एक्ट्रेस आती थी उसमें, तो जैसे ही जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता था तो बट क्या ऐसा रिएक्शन देती थी। तो यार ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदे को डिप्रेशन में आती हैं, ठीक है, उस बंदे के जब देखो उसको हर चीज़ में उसको बिल्कुल ही गिरा दिया, जब उससे पूछ रहे हैं कौन क्या, यार ये क्या बात होती है तो तुम्हारे साथ का ही बंदा ना उनसे अच्छा ही है, बल्कि जहाँ तक मेरे को लगता है उनसे अच्छा ही था, ठीक है। तो एक तो यार ये लॉकडाउन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, देखा जाए तो लॉकडाउन एक बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा फैक्टर है, क्यों? क्योंकि तुम अब समझ लो यही है मेरा पूरा ग्लोरी है, मेरे को इसी में रहना है, सब कुछ इसी में करना है, ठीक है, तो मैं बहुत पागल हो गया हूँ घर बैठे बैठे। तो यार मैं किसी को भी कॉल करूँ, मेरे को बहुत फिक्र होती है मतलब लोगों की, ठीक है, तो अब मैं किसी को भी कॉल करूँ मेरा कोई फ़ोन ना उठाए, बंदा बिजी होगा यार, ये थोड़ा लॉकडाउन का बंदा हर बंदा फ्री होगा, बंदा क्या होता है बिजी हो, तो बिजी हो तो इस चक्कर में फ़ोन ना उठा रहा हो मेरा, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो अब एक दो बार फ़ोन कर नहीं फ़ोन उठाया, तो यार बंदा सोचता है यार
नहीं यार ये क्या बात हुई, मेरे ही कोई फ़ोन नहीं उठाता, ऐसा वैसा दुनिया ही चादर मोड़ है, ऐसी है यार। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव मत लो ना। अब जितने भी मेरे भाई बंधु जो मेरे को देखते हैं, ठीक है छोटा यूट्यूबर मैं, इतना नहीं, जितने भी मेरे को देखते हैं, तो तुम सबसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, जितने भी सलमान करण जौहर ये जो उड़ते हैं ना, हम लोग ये सब उड़ते हैं हम लोग बदौलत, ठीक है हम पब्लिक है जो देख रही है, हम ना देखें ना तो इन्हें कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यार तुम लोग ना इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दो, थोड़ा जो इनके ये जो बच्चे अपने ले आते हैं मूवीज़ में, उनको फेमस करते हैं, तो इनको धीरे 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 करके काटना शुरू कर दो। मुझे तो पसंद नहीं यार, देखो मैं सही कहूँ ठीक है, अगर कोई होगा तो तब क्या तब देखा जाएगा, पर इस समय मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं जो इन लोगों ने करा है, जो इनके पर स्टोरी मेरे सामने आई है। तो यार कितने भी मेरे देखते हैं, एक बार कर करो, इनको भी तो पता चले हम लोगों की क्या पावर है, शांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट पे आप लोग देखना, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के बैकग्राउंड पे एक पेंटिंग लगाई हुई है, वो पेंटिंग विंसेंट वैन की है। विंसेंट वैन बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े पेंटर थे, और उन्होंने 37 इयर्स की एज में सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन। तो जब तक वो जिंदा थे उनके काम को किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और जैसे उन्होंने सुसाइड किया वो एकदम से बहुत फेमस हो गए और वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस आर्टिस्ट के नाम से जाने जाने लगे। तो सुशांत ने उनकी पिक्चर अपने बैकग्राउंड में लगा रखी थी, तो कहीं ना कहीं वो विंसेंट वैन से इन्फ्लुएंस थे, तो आप लिंक कर सकते हैं। तो गाइस हम आज का व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है हमेशा पॉजिटिविटी बुलाते रहो, ठीक है, और बॉयकॉट बॉलीवुड जरूर करो, ठीक है। जो जितने भी पप्पू लोग हैं इनके ऊपर केस चल रहा है अभी, देखो क्या होता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ, अभी वेट करो, जैसे ही कुछ भी होगा मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। और हाँ मैं इस बार ये नहीं कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एक आध घंटा बात ये कर दो, कुछ नहीं, ये एक आज का था भाई के लिए, थोड़ा दुख तो है यार, ठीक है तो रेप भाई को। और हाँ अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है कोई भी किसी भी प्रॉब्लम अपने दोस्त से ना शेयर कर पा, किसी ने कर पा रहा हो, तो यार तुम मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट में भी बता सकते हो, मैं ज़रूर मैसेज करूँगा ऐसे नहीं, ठीक है। तो यार किसी भी चीज़ में मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे से शेयर करो, कोई नहीं रिवील करूँगा या नॉर्मल बताऊँगा तुम्हें क्या हाल है उसका, जितना मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है भाई। तो बाय गाइस, जैसे तुम्हारा भाई श्रेयस सेठी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ओके बाय।